दोस्तों, नामीबिया एंड नेपाल के बीच में जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर का नेक्स्ट मैच खेला जाएगा, वनडे इंटरनेशनल, इस वीडियो में हम बात करेंगे एंड एनालिसिस करेंगे उसी पर्टिकुलर मैच को लेके। ये मैच खेला जाएगा दोपहर के 3:30 पे इंडियन समय अनुसार। कहाँ पे? कैम्बूस्टून न्यू ग्राउंड एड शार में। ठीक है, सबसे पहले इस मैच का फाइनल अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएंगे, एकदम ऊपर वाला जो पिंड कमेंट है ना, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे इस मैच के साथ साथ बाकी बहुत सारे मैचेस हम वहाँ पे भी कवर करते हैं। बाकी वेन्यू स्टैट्स देखेंगे तो इस वेन्यू पे टोटल आज तक 5 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले गए हैं। एवरेज स्कोर बैटिंग फर्स्ट 179 का रहा है एंड सेकेंड इनिंग में 163 का रहा है। हाईएस्ट टोटल 244.8 बना है, जो कि आयरलैंड ने किया था स्कॉटलैंड के अगेंस्ट 2006 में। ये जो 5 मैचेस खेले गए हैं, उनमें से बैटिंग फर्स्ट करने वाले टीम एक बार, तो बैटिंग सेकेंड मतलब चेजिंग साइड इस वेन्यू पे 4 बार जीते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ बोथ टीम्स ऑन दिस ग्राउंड, मतलब दोनों टीम्स इस वेन्यू पे कैसा परफॉर्मेंस किए हैं। हालांकि कोई शक का बात नहीं है कि इस वेन्यू पे दोनों ही टीम एक भी मैच अब तक नहीं खेले हैं, तो वेन्यू स्टैट्स आपको नहीं मिल सकते दोनों टीम्स का। ठीक है, बट रीसेंट मैचेस जो कि इस वेन्यू पे खेला गया है वो हम आपको बताएंगे। देखिए, लास्ट 2012 में यहाँ पे मैच खेला गया था कनाडा एंड स्कॉटलैंड के बीच में, मतलब लगभग 10 साल पुराना है। 176 पे ऑल आउट हो गए थे एंड स्कॉटलैंड मैच को आसानी से जीत गए थे। पेसर्स 9 विकेट तो स्पिनर्स 4 विकेट निकाले थे। उसके बाद अफगानिस्तान एंड स्कॉटलैंड 2010 में खेले थे, 120 पे ऑल आउट हो गए थे अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड अगेन चेस करते हुए जीते थे। पेसर्स 11 विकेट के साथ डोमिनेट किए थे, स्पिनर्स को सिर्फ 3 विकेट मिला था। उसके बाद स्कॉटलैंड एंड अफगानिस्तान के बीच में और एक मैच हुआ था, इस बार अफगानिस्तान ने चेस करते हुए जीता था, काफ़ी कंफर्टेबल चेस हुआ था। पेसर्स 6 विकेट, स्पिनर्स 3 विकेट। उसके पहले नीदरलैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच में मैच हुआ, स्कॉटलैंड चेस करते हुए जीता, सिर्फ 137 ही बन पाया था। पेसर्स 8 विकेट, स्पिनर्स 5 विकेट। उसके पहले आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच में हुआ, आयरलैंड यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीता, जहाँ पे पेसर्स 10 विकेट निकाले थे, स्पिनर्स 6 विकेट निकाले थे। तो समरी देखेंगे, लास्ट जो वनडे इंटरनेशनल कुछ मैचेस इस वेन्यू पे खेले गए हैं, वहाँ पे पेसर्स को फर्स्ट इनिंग में 27 विकेट्स तो स्पिनर्स को 13 विकेट मिले हैं, वहीं पेसर को सेकेंड इनिंग में 17 विकेट्स तो स्पिनर को 8 विकेट मिले हैं। टोटल रेशियो रहा है 44:21 का। ठीक है, उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा, काइंडली इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। उसके बगल वाले बेल बटन को प्रेस करके ऑल पे करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, यहाँ पे एक एरो वाला बटन आपको दिखेगा ना, यहाँ पे जाएंगे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, आपको हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल का डायरेक्ट लिंक्स देखने को मिल जाएगा। कोशिश कीजिएगा इन ओरिजिनल लिंक्स पे क्लिक करके डायरेक्टली आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल पे जुड़ जाएं, क्योंकि इस मैच का फाइनल अपडेट एंड बाकी जितने भी डोमेस्टिक मेंस वुमेंस एंड इंटरनेशनल मैचेस शुरू होने वाले हैं उनके फाइनल अपडेट्स वहीं पे आते हैं। तो काइंडली टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल पे जुड़ जरूर जाइएगा। अच्छा, नेपाल का स्क्वाड एंड प्लेइंग 11, हर एक प्लेयर का रिसेंट फॉर्म बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से देखेंगे। देखिए, कुशाल भुर्तेल के साथ आशिफ शेख, जो कि इनके विकेट कीपर बैटर हैं, ये दोनों ओपनिंग करेंगे। कुशाल भुर्तेल का रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हैं, एक मैच में फ्लॉप, दूसरे मैच में हिट, फिर फ्लॉप, फिर हिट, फिर फ्लॉप, फिर हिट, फिर हिट, फिर फ्लॉप, ऐसा कुछ करके इनका परफॉर्मेंस आया है। मतलब अंडर 30 इनका एक मैच में आता है, अंडर 20 एक मैच में आता है, अंडर 10 एक मैच में आता है, फिर उसके बाद ओवर 40 करते हैं, 50 करते हैं एंड 80 वाला परफॉर्मेंस आता है। तो एक मैच में ऑन तो एक मैच में ऑफ, ऐसा कुछ इनका परफॉर्मेंस रहता है, कंसिस्टेंट नहीं है। आसिफ शेख देखिए, 18, 62, 61, 29, 34, कंपैरेटिवली ज़्यादा कंसिस्टेंट मुझे लगे हैं आसिफ शेख इन कंपैरिजन टू कुशाल भुर्तेल, बट दोनों ही इंपॉर्टेंट होंगे, स्पेशली आसिफ शेख तो विकेट कीपिंग सेक्शन से इंपॉर्टेंट होंगे ही। रोहित कुमार पौदेल और एक कंसिस्टेंट प्लेयर, जो कि काफ़ी अच्छे स्कोरिंग करते हैं हर वक्त, टीम के वन ऑफ द मेन बैटर्स हैं। देव खनल 34, 10, 54, 34,
12 ऐसे कुछ इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। हालांकि ये कभी कभी ओपनिंग भी कर लेते हैं, बट क्योंकि कुशाल भुट्टे ने नासिर शेख दोनों को ही खिलाया जा रहा है, अगर उन दोनों में से कोई नहीं खेलता तो देव खनल ओपनिंग में भी आ सकते हैं। फिलहाल ये नंबर 4 पे खेलेंगे। आरिफ शेख टीम के वन ऑफ द मेन ऑलराउंडर्स हैं, 5 से 6 ओवर डालेंगे क्योंकि ये 50 ओवर का मैच है, तो 5 से 6 ओवर डालेंगे प्लस लोअर मिडिल ऑर्डर में एंड मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं, अगर टॉप ऑर्डर कोलैप्स होता है तो यही आके संभालते हैं। दीपेंद्र सिंह एरे, ये अपने कोटे का लगभग फुल ओवर्स डालेंगे, 7 से 10 ओवर डालने वाले हैं। राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं, रीसेंट फॉर्म देखेंगे, 7 रन 1 विकेट, 6 रन 1 विकेट, यहाँ पे 1 रन 0 विकेट। इनका विकेट टेकिंग एबिलिटी उतना खास नहीं है और रीसेंट फॉर्म उनका बैटिंग से भी उतना खास नहीं जा रहा है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने नेपाल के रीसेंट के सारे के सारे मैचेस ऑलमोस्ट खेले भी हैं एंड कवर भी किए हैं। बाकी आदिल अंसारी है जो कि राइट आर्म मीडियम फास्ट है, ये आपके लिए छुपारुस्तम पिक साबित हो सकते हैं क्योंकि कुछ ऐसे मैचेस गए हैं ना जहाँ पे इन्होंने 47 किए हैं अनएक्सपेक्टेड, 36 रन और 3 विकेट निकाले हैं, तो ग्रैंड लीग के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पिक्स ये बन जाते हैं। विनोद भंडारी इनके मेन विकेट कीपर बैटर, आसिफ शेख अगर विकेट कीपिंग नहीं करते हैं तो विनोद भंडारी करेंगे, अगर विनोद भंडारी को खिलाया जाता है तो यही विकेट कीपिंग करेंगे, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, फिलहाल के लिए ये नीचे बैटिंग करेंगे। सोमपाल कामी, केसी करण एंड संदीप लामिचाने, इन तीनों के बारे में बात करके फ़ायदा है नहीं, तीनों को ही आग बंद करके लेना है। सोमपाल कमी आपको कंसिस्टेंटली 1 से 2 विकेट लेते हुए आपको दिखेंगे, प्लस बैटिंग से भी ये कभी कभी कंट्रीब्यूशन दे देते हैं। ठीक है, केसी करण बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूशन देंगे जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये गुच्छे में विकेट लेते हैं, 5 विकेट 3 विकेट 5 विकेट 3 विकेट 2 विकेट, ऐसा कुछ परफॉर्मेंस इनका रिसेंटली रहा है। और लामिचाने के बारे में बात करके फ़ायदा है नहीं, किसी भी हालत में इनको छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये भी गुच्छे में विकेट निकालते हैं। बेंच में आपको कौन से प्लेयर दिखेंगे, किशोर महतो आपको दिखेंगे जो कि राइट आर्म मीडियम फास्ट है, रिसेंटली 5 विकेट निकाले हैं, तो ग्रैंड लीग वाले प्लेयर लगते हैं, यहाँ पे 3 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट लगते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्ट्राइक बॉलर मुझे लग रहे हैं, तो किशोर महतो को अगर प्लेइंग 11 में आप देखते हैं तो ग्रैंड लीग में आपको ले लेना है। ठीक है, वीडियो को अच्छे से सुनिएगा, मैं बीच बीच में ग्रैंड लीग के प्लेयर्स बोलते हुए जाता हूँ, आप नोट डाउन बिल्कुल कर लीजिएगा अगर आप एक ग्रैंड लीग प्लेयर है तो, या फिर स्मॉल लीग में ऐसे ट्रम्प प्लेयर्स को रिस्क लेके यूज़ करना एंड लेना पसंद करते हैं। ठीक है, बाकी पवन शर्राफ जो कि एक ऑफ ब्रेक बॉलर हैं, बहुत रेयरली इनको मौका मिलता है, बट जब जब मौका मिला है जैसे कि आप देखिए, 25 रन 3 विकेट 1 रन 4 विकेट, 33 रन 2 विकेट, 7 रन 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, कंसिस्टेंटली विकेट निकाले हैं ये बंदा, बिल्कुल आप ट्राई कीजिएगा, अगर इनको मौका मिलता है चांसेस काफ़ी कम हैं। बाकी नामीबिया टीम का प्लेइंग 11 एंड प्लेयर्स का रीसेंट फॉर्म के बारे में बात करेंगे विद बैटिंग ऑर्डर। लोहन लॉरेंस ये ओपनिंग करेंगे डीवन लाकॉक के साथ। अब देखिए, लोहन लॉरेंस लेफ्ट हैंड बैटर हैं, डीवन कॉक राइट हैंड बैटर हैं। लास्ट मैच में डीवन कॉक 0 पे आउट हुए थे जो कि संडे को खेला गया था, लोहन लॉरेंस 47 किए थे, बट डीवन कॉक का रीसेंट फॉर्म लास्ट मैच के पहले काफ़ी अच्छा था, 80 नॉट आउट 34 29 ऐसा कुछ करते हुए आ रहे थे, यहाँ पे 66 भी किए हैं, यहाँ पे 70 भी किए हैं, तो बिल्कुल डीवन कॉक को आप ग्रैंड लीग में ट्राई कीजिएगा। लॉफ्टी ईटन लास्ट मैच में 50 किए हैं, उसके पहले 7 रन, फिर 51 नॉट आउट 24, इनका जो खास बात है ये कभी कभी फुल ओवर्स बॉलिंग डाल लेते हैं या फिर पार्ट टाइम बॉलिंग भी डाल लेते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लॉफ्टी ईटन को बिल्कुल मत छोड़िएगा। ठीक है, यहां पे इरस्मस टीम के कैप्टन है, लास्ट मैच में 10 ओवर कंप्लीट डाले थे, 3 विकेट निकाले थे, प्लस नंबर 4 पे बैटिंग करेंगे, लास्ट मैच में बैटिंग से कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाए थे, बट ये काफी कंसिस्टेंट बैटर है, काफी कंसिस्टेंटली रन्स करते हैं, जैसे कि यहां पे 59 नॉट आउट 72 नॉट आउट 35 53, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। ठीक है, जैन फ्राइलिंग लास्ट मैच खेले थे, 18 रन एंड 0 विकेट निकाले थे, कंप्लीट 10 ओवर डालेंगे, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट करते हुए डेथ ओवर्स में डालेंगे, रख लीजिएगा अपने टीम में। ठीक है, डेविड विजे लास्ट मैच में सभी का कैप्टन था बट कुछ खास नहीं किया, उसके पहले 9 रन 1 विकेट 45 रन 0 विकेट 55 रन और 2 विकेट
5 रन और 1 विकेट, ऐसा कुछ इनका रीसेंट फॉर्म है। आप बिल्कुल एज अ डिफरेंशियल एंड नॉट डिफरेंशियल डिफॉल्ट सीबीसी ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट मैच में परफॉर्मेंस ना आने के बावजूद बहुत लोग इनको आज भी सीबीसी बना के लेके आएंगे, क्योंकि नंबर 6 तक बैटिंग करने आ जाते हैं एंड लगभग 50 ओवर के मैचेस में इनका बैटिंग आ ही जाएगा, प्लस बॉलिंग से ये 10 ओवर कंप्लीट डालेंगे पावर प्ले में एंड डेथ ओवर्स में। ज़ेन ग्रीन नीचे बैटिंग किए थे लास्ट मैच में, 3 रन किए थे, उसके पहले 30, 60, 46 ऐसा कुछ इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। जेजे स्मिथ 28, 27 किए हैं लास्ट 2 मैचेस में, बोलिंग नहीं डाले हैं, उसके पहले 23 रन और 2 विकेट, 62 रन और 2 विकेट, 71 रन और 6 विकेट, ठीक है। तो जब बोलिंग करेंगे तब काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, ग्रैंड लीग के कैप्टन बनाते हुए जाइएगा, पता नहीं किस मैच में सडनली बोलिंग कर दे, और जिस मैच में ये बोलिंग करेंगे काफ़ी अच्छे गुच्छे में विकेट निकाल के आपको दे सकते हैं। यहाँ पे लुंगेमनी के बारे में लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, लास्ट मैच में 2 विकेट निकाले थे, उसके पहले 3 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, ऐसा कुछ इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। ट्रम्पलेमैन लास्ट मैच में 15 रन और 1 विकेट, उसके पहले 13 रन और 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 4 विकेट, ठीक है। इनका प्लस पॉइंट ये है कि ये 2 से 3 विकेट निकाल के आपको आराम से दे सकते हैं, प्लस 15 से 20 रन आपको बैटिंग से भी बना के दे सकते हैं। स्कोल्स लास्ट मैच में विकेटलेस गए हैं, बेंच में कौन से प्लेयर्स दिखेंगे आपको, लुइस पीटर्स हैं, पिकी या फ्रंस है, मलन क्रूगर आपको दिखेंगे, स्टेफन बर्ड जो ओपनिंग करते हैं कभी कभी, या आपको दिखेंगे क्रेग विलियम्स। इस मैच में इनको मौका मिल सकता है, अगर खेलेंगे तो ओपनिंग करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। जनरली क्रेग विलियम्स के साथ डीवन कॉक ओपनिंग करते हैं, बट लास्ट मैच में इनको खिलाया नहीं गया, फ़र्क नहीं पड़ता अगर खिलाया जाता है, तो इस मैच में आपको ट्राई करना है, अपने टीम में लेना है। शिखोंगो ये कभी कभी फुल ओवर्स डालते हैं, कभी कभी ये इनसे लगभग 5 से 6 ओवर्स के बाद बॉलिंग नहीं करवाया जाता, ठीक है। अगर इनको शुरुआत में विकेट्स मिल जाता है, मतलब शुरुआत के 3 से 4 ओवर में एक आधा विकेट मिल गया, फिर इनको और ज़्यादा ओवर्स मिलते हैं, नहीं तो उतना ओवर्स नहीं मिलता, ये इनका दिक्कत है, ठीक है। तो ग्रैंड लीग में ट्राई करने लायक है, पता नहीं कब इनका दिन हो और 3 विकेट लेके चले जाए, ठीक है। बाकी और कोई खास प्लेयर है नहीं। अच्छा, इस वीडियो में ना कोई हिट टू हिट स्टैट्स आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि नामीबिया एंड नेपाल एक दूसरे के अगेंस्ट आज तक कोई वनडे इंटरनेशनल मैच खेला ही नहीं है, तो मैं कैसे आपको कोई हिट टू हिट स्टैट्स दे दूं, ठीक है। बाकी पॉइंट्स टेबल सिनेरियो देखेंगे, जो कि ये क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर का जो लेग 2 चल रहा है, वहाँ पे नामीबिया टोटल 15 मैचेस खेले हैं, 7 जीते हैं और 8 हारे हैं, 6th पोजीशन पे हैं। वहीं नेपाल 16 मैचेस खेले हैं, 7 जीते हैं, 8 हारे हैं, 1 टाई हुआ है, 5th पोजीशन पे है। टॉस बेस्ड एनालिसिस, मतलब बैट फर्स्ट एंड बैट सेकेंड करते हुए कौन से प्लेयर कैसा परफॉर्मेंस करते हैं, उस हिसाब से आप प्लेयर्स को जज करके अपने टीम में लेना है या फिर नहीं लेना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। स्टेफन बर्ड बैटिंग फर्स्ट कैसा परफॉर्मेंस किए हैं वो आप यहाँ पे मिल जाएगा, एंड बैटिंग सेकेंड करते हुए कैसा परफॉर्मेंस किए हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसे ही हर एक प्लेयर का बैटिंग फर्स्ट एंड बैटिंग सेकेंड करते हुए कैसा परफॉर्मेंस किए हैं आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैं स्क्रॉल करते हुए जा रहा हूँ धीरे धीरे, अब हर एक प्लेयर का खुद से पढ़ते हुए जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स हैं, लगभग 15+15, 30 प्लेयर्स है। अगर मैं एक एक प्लेयर का पढ़ने जाऊंगा और मैं आपको समझाने जाऊंगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। आइदर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप लिख के रख सकते हैं जो भी इम्पोर्टेंट टॉप 11 प्लेयर्स हैं उनके बारे में, ठीक है। ये है फिलहाल के लिए नामीबिया टीम का जो प्लेइंग 11 एंड स्क्वाड है। स्क्वाड में हर एक प्लेयर का कौन बैटिंग फर्स्ट करते हुए कैसा करता है, कौन बैटिंग सेकेंड करते हुए कैसा करता है, और अब शुरू हो रहा है नेपाल का। नेपाल के हर एक प्लेयर का कौन बैटिंग फर्स्ट एंड बॉलिंग सेकेंड करते हुए ज़्यादा अच्छा करता है, और कौन बॉलिंग फर्स्ट एंड बैटिंग सेकेंड करते हुए कैसा परफॉर्मेंस किया है, चाहे वो ऑलराउंडर हो, चाहे वो बॉलर हो, चाहे वो मेन बैटर हो, टॉप ऑर्डर के, मिडिल ऑर्डर के, हर एक प्लेयर के बारे में यहाँ पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा बैटिंग फर्स्ट एंड बॉलिंग सेकेंड करते हुए। उस हिसाब से आप प्लेयर्स को जज करके अपने टीम में लेना है या नहीं लेना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, विकेट कीपिंग सेक्शन में आएंगे, आपको क्लियर कट 3 ऑप्शंस मिल जाएंगे। कौन से? आसिफ शेख जो को ओपनिंग करेंगे नेपाल के तरफ से, ज़ेन ग्रीन जो को ओपनिंग करेंगे नामीबिया के तरफ से, विनोद भंडारी शायद नहीं खेलेंगे क्योंकि बहुत सारे मैचेस
इन ये मिस करते हैं एंड आसिफ शेख ही विकेट कीपिंग प्लस ओपनिंग ड्यूटीज संभालते हैं। ठीक है, लॉरेंस को भी लास्ट मैच में टॉप ऑर्डर में मौका मिला था, बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं। ओपनिंग किए थे जो कि संडे में मैच हुआ था, ये यहीं पे ये ओपनिंग किए थे। ठीक है, तो आप ट्राई कर सकते हैं एज ए डिफरेंशियल ग्रैंड लीग प्लेयर। जेड ग्रीन को भी एज ए डिफरेंशियल ग्रैंड लीग प्लेयर ट्राई कीजिएगा। फिलहाल के लिए मैं आसिफ शेख के साथ जाना चाहूँगा। हम बैटिंग सेक्शन, ऑलराउंडर सेक्शन एंड बॉलिंग सेक्शन को पहले अच्छे से समझेंगे। वहाँ पे अगर कॉम्बिनेशंस कुछ सही नहीं बैठा फिर हम जेड ग्रीन को लेने का कोशिश करेंगे। फिलहाल आसिफ शेख, जिनका डिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा है, ओपनिंग करेंगे, विकेट कीपिंग से भी पॉइंट्स देंगे, तो हमारे लिए एक सेफ पिक हो जाएंगे। बैटिंग सेक्शन में आएंगे, कुशाल भूतल 59% सिलेक्शन, रोहित कुमार पौदल यहाँ पे 81% सिलेक्शन, इरास्मस 44% सिलेक्शन। अब देखिए, ये लास्ट मैच में 10 ओवर डाले थे, 3 विकेट निकाले थे, प्लस नंबर 4 पे बैटिंग करने आ जाएंगे, टीम के कैप्टन हैं, कोई तो कारण होगा कि ये टीम के कैप्टन हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम पहले इरास्मस को लेंगे जो कि ऑलराउंडर कैपेबिलिटीज़ रखते हैं। फिर हम जाएंगे थोड़ा सा नीचे लॉफ्टी ईटन के पास, जो कि नंबर 3 नंबर 5 ये दोनों जगह में से किसी एक पे खेलेंगे और काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मर ये भी है, ये भी कभी कभी बॉलिंग कर लेते हैं, पता नहीं चलता कब कैप्टन का मन हो कि लॉफ्टी ईटन से भी बॉलिंग करवा लिया जाए। तो ये श्योरिटी नहीं है कि बॉलिंग ये डालेंगे कि नहीं डालेंगे, बट हाँ अगर डालेंगे तो काफ़ी अच्छे विकेट टेकिंग एबिलिटी ये रखते हैं। आरिफ शेख आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रैंड लीग प्लेयर होने वाले हैं, क्योंकि ये बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूशन देंगे। जनता का ध्यान इन पे नहीं है, मिडिल ऑर्डर पे बैटिंग करेंगे प्लस बॉलिंग कोटे का लगभग फुल ओवर्स डालेंगे, तो एज ए डिफरेंशियल प्लेयर आप ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊँगा और यहाँ पर रोहित कुमार पौदल के साथ जाना चाहूँगा, जो कि शायद नंबर 3 पे बैटिंग करने वाले हैं एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बैटर्स में से आते हैं। ज्ञानेंद्र मल्ला जो कि टीम के ओरिजिनल कैप्टन है, उनके एब्सेंस में इनका रोल और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अब बिल्कुल सेफ जा सकते हैं कुशाल भूतल के साथ, जो कि ओपनिंग करेंगे ही करेंगे। ठीक है, रोहित कुमार पौदल नंबर 3 पे खेलेंगे, फिलहाल के लिए मैं इनके साथ जाऊंगा। तो ये 3 बैटर्स हमारे टीम में आ गए। अगर विलियम्स को खिलाया जाता है, क्योंकि संडे वाले मैच में नामीबिया की तरफ से विलियम्स प्लेइंग 11 में नहीं थे, इसलिए हम नहीं लेंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में चलेंगे, डेविड विजे हमारे फर्स्ट पिक होंगे, दीपेंद्र सिंह एरे जो कि कंप्लीट 10 ओवर डालेंगे, नंबर 4 पे बैटिंग, सिर्फ 25% का सिलेक्शन है। हालांकि इनका रीसेंट फॉर्म अच्छा नहीं है, शायद इसीलिए इनका सिलेक्शन कम है, बट एज अ डिफरेंशियल ग्रैंड लीग प्लेयर बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं, बोथ विद बैट एंड बॉल कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। जे जे स्मिथ लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं किए थे, नंबर 6 नंबर 7 पे बैटिंग किए थे, अगर आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, बट अगेन जे जे स्मिथ जैसे प्लेयर को छोड़ना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर क्रीज पे टिक गए तो 30 से 35 बॉल पे 70-75 कर सकते हैं, बहुत बढ़िया हिटर है, प्लस कभी भी बॉलिंग कर सकते हैं। शायद इनका कोई इंजरी इशू चल रहा है इसलिए बॉलिंग नहीं डाल रहे, बट ये बॉलिंग बिल्कुल कर सकते हैं, लास्ट मैच में भी बॉलिंग नहीं किए थे। सोमपाल कमी एंड केसी करण को हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉलर्स हैं एंड ऑलराउंडर्स हैं मुझे कहना चाहिए, क्योंकि दोनों ही बैटिंग कर लेते हैं, दोनों ही अपने कोटे का फुल ओवर्स डालेंगे ही डालेंगे। ठीक है, फ्राइलिंग 9 से 10 ओवर डालेंगे प्लस नीचे आके 15-18 रन ये कर सकते हैं, इतना कैपेबिलिटी इनमें है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, इसलिए फ्राइलिंग को भी हम फिलहाल के लिए ले लेंगे। ठीक है, बॉलिंग सेक्शन में लामी चने को हम नहीं छोड़ेंगे, ट्रम्पलेमैन को नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए ये दोनों प्लेयर नहीं छूटने चाहिए। ठीक है, बाकी नीचे आएंगे और कोई खास प्लेयर है के महातो, अगर इनको मौका मिले बिल्कुल आप ट्राई कीजिएगा। लुंगेमणि के साथ फिलहाल के लिए हम जाएंगे, जिनका सिलेक्शन फिलहाल 38% है, संडे वाले मैच में 2 विकेट, उसके पहले 3 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट ऐसे करके निकाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्राइक बॉलर, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट अगर करते हैं और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, बाकी फिलहाल हमारा टीम कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बनता है, जहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन पिक आप मुझसे पूछेंगे, तो इरास्मस को कैप्टनशिप दे के वाइस कैप्टन मैं यहाँ पे केसी करण को देना चाहूँगा। आप बिल्कुल डेविड विजे के साथ जा सकते हैं, जो कि कंप्लीट 10 ओवर डालेंगे, 3-4 विकेट आराम से निकाल सकते हैं, प्लस बैटिंग से भी कुछ हद तक कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, बट बैटिंग नंबर 7 नंबर 8 पे करेंगे, तब तक शायद उतना इनके लिए करने के लिए कुछ खास नहीं बचा हो, तो इसीलिए मैं बैटिंग से उतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बट बॉलिंग से काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए इरास्मस के साथ केसी करण ही मेरे सीबीसी होंगे, लामी चने और एक बेहतरीन सीबीसी ऑप्शन, मुझे बोलने का ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता होगा कि लामी चने और एक ऑप्शन है। ठीक है, फाइनल अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, अगर नहीं भी आया
तो वीडियो में बहुत इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है, उसको यूज़ करके आप आराम से अपना बेहतरीन स्मॉल लीग का ग्रैंड लीग का टीम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। फिर भी टेलीग्राम पे अगर ज्वाइन होना चाहते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के पिंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं।